वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आशिक मेडिसिन इन्फो और मैं हूं आशिक हुसैन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेडियोसिड सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि रेडियोसिड सिरप क्या है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और ये किस मकसद के लिए तजवीज़ किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आशिक मेडिसिन इन्फो को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। रेडियोसिड की अगर बात करें, इसका फार्मूला फेमोटाडीन है। ये पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ड्रग एच टू ब्लॉकर ब्रोक के तरह दस्तियाबी में रेडियोसिड सिरप और गोली फॉर्म में दस्तियाब है। रेडियोसिड सिरप को बड़े और 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच दिन में 2 मरतबा दिया जाता है। रेडियोसिड सिरप को किस मकसद के लिए तजवीज़ किया जाता है? अगर आप बदहजमी का शिकार हैं, अगर आप मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं, अगर आप किसी ने की जलन की तकलीफ़ है तो रेडियोसिड सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियोसिड सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? रेडियोसिड सिरप के हर किसी में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, किसी किसी को हाइबर सेंसिटिविटी मेगलेंसी वगैरह हो सकती है। रेडियोसिड सिरप किस में हेड एच डिजीनेस हो सकती है, डायरिया या ड्राई माउथ हो सकता है। अगर आप इसकी कीमत के बारे में बात करें तो तकरीबन 126 रुपये मार्केट में दस्तियाब है।